हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में समझेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले आइए हम लोग इवन नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन आर इवन नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 और भी क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो आइए अब हम लोग ऑड नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो ऑड नंबर्स क्या हैं, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन आर ऑड नंबर। तो जो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और उनके आगे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो आइए अब हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में समझते हैं। प्राइम नंबर्स, द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर इवन एंड द नंबर इटसेल्फ आर प्राइम नंबर्स। जो फैक्टर्स अब वन होता है उनका और खुद होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 and 13 एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर्स एज दीज डू नॉट हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 11, 13 क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनके भी आगे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। नंबर्स के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं जो खुद हैं और 1 है और अपना इटसेल्फ है। आइए अब हम लोग कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझते हैं। कंपोजिट नंबर, द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके जो नंबर्स के 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। दी नंबर्स हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इट्सेल्फ। तो जिनका फैक्टर 1 और वो इट्सेल्फ होते हैं उनके अलावा एक नंबर होता है, उनके अलावा एक फैक्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। सिंस 4 हैज मोर देन 2 फैक्टर i 1 and 2 and 4 1 2 and 4। तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 4 है, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 6 8 9 10 और आर ऑल्सो कंपोजिट नंबर्स। तो वैसे ही 6 8 9 10 के भी क्या हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो वो क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। आइए अब हम लोग ट्विन प्राइम्स के बारे में समझते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, If the difference between any two prime numbers is 2, then such pairs of prime numbers are called twin primes. तो अगर दो numbers, दो prime numbers का जो difference है वो अगर 2 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, pairs of prime numbers, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, twin primes कहते हैं। Example of twin primes are 3, 5, 5, 7, 11, 13 and so on। तो जो ट्विन प्राइम्स के एग्जांपल क्या हैं, जैसे 3 और 5 क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और जब हम लोग उनको उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 आंसर आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स कहेंगे। तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।